स्वागत है जी आपका एक और हमारे नए ब्लॉग में। सबसे पहले राम राम भाई। तो आज जो 30 डेज चैलेंज हम कर रहे हैं उसका है छठवां दिन। तो भाई पिछली वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में एक बारी जरूर बता दिया करो और शेयर करते रह करो वीडियो को, ताकि हमें भी उससे हौसला बढ़ता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। तो आपकी सपोर्ट भाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और साथ साथ बने रहें ब्लॉग के। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। ये पहुंच गए जी खेत में, हम डायरेक्ट उठाया ट्रैक्टर लेके, चल रही है गेहूं की बुवाई। आज लास्ट है गेहूं की बुवाई और जुताई ख़त्म। फिर गाइस ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और ये हम अपने काम पे निकल चुके हैं। ये दोनों भाई एक ट्रैक्टर पर एक मशीन पर दोनों भाई लग रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हम यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, भाई साहब हाय यूट्यूब फैमिली। ये भाई उतर चुके हैं, ये जा रहे हैं जल्दी जल्दी में। ये देखिए यहाँ पे और मशीन में आ गया ज़्यादा कचरा, तो कचरा निकालने के लिए ट्रैक्टर रोक दिया और कचरा निकालने लग गए, क्योंकि मशीन में जो कमी आई थी उसकी वजह थी पाइप फंसी हुई थी कोई, तो गेहूं निकल नहीं रहे थे। तो गेहूं की पाइप साफ करी और थोड़ी सी नीचे से फारी साफ करी। और ये पीछे आ गए हमारे बाबा चौधरी जिकरपुर, और ये भी नज़ारा लेते हुए कि चल क्या रहा है, माहौल है क्या अभी। फिर ट्रैक्टर की देखभाल करके सारी कंप्लीट पीछे लेके भाग गो। आ जा तो अब तू यहीं खड़ा होगा, मैं देख रहा हूं ये पूरी तू कौन से पैसा दे रहा हूं वो YouTube के ये तो वीडियो बनवा के पैसा मांग रहा है यार, देख लो तुम यार, सपोर्ट कर दो ज्यादा ज्यादा जल्दी यार, कर दो वायरल। तो रास्ते में पहुंचते हमें खेत के मिल गए तार टूटे, तो फिर हम जोड़ने लग गए तारों को, क्योंकि तार टूटे पड़े थे, पन्नी लगी हुई थी। कह रहे थे चल यार छोड़ दे, रहने दे, मतलब भाई करने मुझे ही है, तो इसलिए मैं लग गया तारों को सही करने। तो तार लगाने के बाद हम दोनों भाई जाएंगे फिर कहीं बाहर, तो फटाफट लगाते हैं तारों को। और आप ब्लॉग में भाई बने रहना और वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। फिर निकल पड़ेंगे हम सीधे जट्टारी के लिए। तो जट्टारी जा रहे हैं हम बीज लेने, क्योंकि हमें एक खेत अभी बाकी बचा हुआ है, उसमें लगाने हैं गेहूँ। तो गेहूँ का बीज लाएँगे जट्टारी से। दोनों भाई मज़े लेते हुए जा रहे हैं आराम से भाई। और वीडियो कैसी लग रही है यार बताया ज़रूर करो भाई कमेंट में, और शेयर मार दिया करो यार रिश्तेदार इनमें को, क्योंकि वायरल तुम ही करोगे और सपोर्ट भी तुम ही करोगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करा करो। वहाँ से आने के बाद बीज वगैरह लाने के बाद फिर निकल गए हम दोबारा उठा के ट्रैक्टर। एक के लगाना था साहिल, तो उसके साहिल लगा के हम ट्रैक्टर में सीधा हम पहुँचे फिर खेत में साहिल लगाने। तो साहिल जोड़ दिया ट्रैक्टर में और ये लगाने लग गए साहिल, और मैं ट्रैक्टर से उतर गया। अब ये लगाएंगे साहिल और आप करो ब्लॉग इंजॉय अच्छे तरीके से भाई, और मज़े करो पूरे ब्लॉग के। और इनको छोड़कर मैं खेत में ही, फिर मेरे आ गया घर से फ़ोन, क्योंकि घर पे आए हुए थे रिश्तेदार, तो मैं निकल गया सीधा घर के लिए। तो घर पहुँच के फिर तुम्हें मिलते हैं। धीरे धीरे मैं घर के लिए जा रहा था, मैंने कर दिया फ़ोन भाई को कि बाइक लेके आ जा तो रास्ते में मिल जाएगा। और ये लेके आ गया बाइक और ये निकल के जा रहे हैं। दो पुलिस वाले पूछ रहे थे क्या कैमरा चला रखा है, मतलब वीडियो बनाता हूँ भाई, बोले ठीक है तो बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कैसी भी हो करनी ज़रूर चाहिए, चाहे वीडियो की सही चाहे खेतों में सही। तो आप भी वीडियो को इन्जॉय करो और शेयर मार दो भाई।
ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आ गई ये हमारी बहन जी जो हमारे कर रही थी इंतज़ार। फिर ये कुछ पर्सनल बात बता रही थी क्योंकि बुराई कर रही थी किसी की, वो मैं सुना नहीं सकता। आप ऐसी देखो और एंजॉय करो। तो बात करते हुए हम दोनों बहन भाई घर के लिए हम निकल गए क्योंकि रास्ते में मेरे को ये मिल गई थी। तो घर पहुंचते पहुंचते हम बात करते हुए आराम से फिर तो घर पहुंचने के बाद दौज खाई। दौज खाने के बाद तुरंत फिर निकल गया मैं बाहर दोस्त के साथ बाइक लेके। तो काफ़ी लंबा समय हमको लगने वाला था इसलिए वीडियो चालू कर दी मैंने, थोड़ा सा ब्लॉग बनाया। और फिर वापसी होनी है हमें घर को, तो घर को वापसी कर दी हमने रात को काफ़ी लेट। तो आज के लिए भाई वीडियो होगी यहीं ख़त्म। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो ज़रूर देखना भाई पूरी। तो वीडियो कैसी लगी पूरी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।